हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है अचिन हाटा। सो गाइस, सीए फाउंडेशन लॉ में अमेंडमेंट्स आए हैं नवंबर 2020 एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं लाया हूं आप सभी के लिए वही अमेंडमेंट दोस्तों। और ये अमेंडमेंट जो है ये बेसिकली सिर्फ एक ही एक्ट में आया है। आपको तो पता है कि आपके है पाँच एक्ट, लेकिन उन पाँचों एक्ट में से एक ही एक्ट है जो सबसे ज़्यादा नया एक्ट है हमारे लिए, और वही एक्ट में आए हैं अमेंडमेंट दोस्तों। एंड दैट इज़ नन अनदर देन कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत अमेंडमेंट आए हैं, और क्योंकि हम देने वाले नवंबर 2020 का एग्जामिनेशन, तो 30 अप्रैल 30 अप्रैल तक के जितने भी अमेंडमेंट्स एमसीए के द्वारा दिए गए होंगे वो सारे ही अमेंडमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारे अमेंडमेंट वैसे भी आईसीएआई ने अपनी रिविजनरी टेस्ट पेपर्स के थ्रू बताए हैं, तो हम रिविजनरी टेस्ट पेपर्स को आधार बनाते हुए उन अमेंडमेंट्स को वर्कआउट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे मेरे हैं दोस्तों, उन्होंने ये सारी चीजें अमेंडेड ही पढ़ी है। और आगे जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा होगा, प्लीज इन सारे अमेंडमेंट को नोट करिएगा। एक आध अमेंडमेंट ऐसा है जो कि मेरे नोट्स में भी नहीं है दोस्तों, तो उसे सारे बच्चों को अच्छे से नोट करना जरूरी है। तो आइए गाइस, देखते हैं अब हम अमेंडमेंट के बारे में। तो गाइस, इसके लिए मेरे पास है यहां पर आरटीपी। चलिए दोस्तों, ये रही हमारी रिविजनरी टेस्ट पेपर्स, आप देख सकते हैं, और ये आईसीएआई ने दिया है हमें, और इसके अंतर्गत अमेंडमेंट है 30 अप्रैल 2020 तक। चलो क्या क्या अमेंडमेंट है बातचीत करते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट जो है वो है दोस्तों ओपीसी के लिए। याद होगा आपको ओपीसी, ओपीसी अपना छोटू कंपनी, छोटू, अरे छोटू कंपनी है ना अपना, दैट इज ओपीसी। याद होगा आपको ओपीसी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि पब्लिक कंपनी नहीं होती, और जिसके अंतर्गत मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं दोस्तों, 1 होते हैं। अच्छा, ओपीसी को अगर इनकॉर्पोरेट करना है तो आपके अंदर 3 क्वालिटी होनी चाहिए, याद है आपको, होना चाहिए एक इंसान, अरे इंडिविजुअल, दूसरी चीज आपको रेसिडेंट इन इंडिया होना है, और तीसरी चीज आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना है। अब रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे कि सर रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन पिछले साल मतलब कौन सा साल, कैलेंडर ईयर 182 डेज रहेगा, उसे अपन रेसिडेंट इन इंडिया बोलेंगे। और दोस्तों वहीं आ गया है चेंज, जो पहले होता था जिसके अंतर्गत आप बोलते थे 1 कैलेंडर ईयर, उसको चेंज करके बोल दिया गया है बॉस अब फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर मैं आपके नोट्स के हिसाब से जाऊं पेज नंबर 5.10 के अंदर, तो वहां पर आपको यहां पर देखिएगा 1 कैलेंडर ईयर, आपको इसे काटना होगा और आपको इसे ठीक करना होगा 1 व्हाट दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर। तो 1 फाइनेंशियल ईयर जो होता है दोस्तों, अगर पिछले साल, अच्छा पहले मुझे ये बताओ कैलेंडर ईयर क्या होता है। तो कैलेंडर ईयर अपना हैप्पी न्यू ईयर वाला 1st of January से 31st of December, और अगर अपन बात करें दोस्तों फाइनेंशियल ईयर, तो ये स्टार्ट होता है 1st of April से 31st of March तक। तो यहां पर बोला गया कि भाई अगर मान लीजिए अभी क्या चल रहा है September 2020, तो अगर इसके लिए देखना है September 2020 में कि कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया था कि नहीं था, तो अपन ये चेक करेंगे दैट इज 1st of April 2019 से लेकर 31st of March 2020 तक, क्या वो इंडिया में 182 डेज रहा था। आंसर इज यस, रहा था। तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा रेसिडेंट इन इंडिया। तो दोस्तों पहला पॉइंट हमारा कवर होता है, एंड ये पॉइंट था किसको लेकर के, ओपीसी को लेकर के। तो फर्स्ट अमेंडमेंट हैज बीन डन। सेकेंड अमेंडमेंट जो है वो है दोस्तों किसके बारे में, स्मॉल कंपनी के बारे में। याद होगा आपको स्मॉल कंपनी की बात की जाए तो 2 क्लॉज कौन सा है दोस्तों, 85, ठीक है। आइए, ये जो स्मॉल कंपनी होती है कौन सी कंपनी होती है, ये कंपनी होती है अदर देन पब्लिक कंपनी, इन विच पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख, याद आ रहा है, एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड कितना दोस्तों, 2 करोड़। अच्छा, ये जो पेड अप शेयर कैपिटल है ये 50 लाख दिया है, लेकिन इस पर एक और अमाउंट दिया था, सच हायर अमाउंट, जो कि गवर्नमेंट आगे जाके प्रिस्क्राइब्ड कर सकती थी। अगर उसकी बात की जाए दोस्तों, तो उस केस के अंतर्गत आपके मॉड्यूल में वो अमाउंट देखेंगे दोस्तों, तो आपको यहां पर मिलेगा, और वो मिल रहा है यहां पर 5 करोड़ रुपीज। तो ये 5 करोड़ जो है दोस्तों, इसे बढ़ा दिया गया है, और साथ ही साथ यहां दिया हुआ 20 करोड़ रुपीज, इसे भी बढ़ा दिया गया है, और 5 करोड़ को कर दिया गया है दोस्तों 10 करोड़, और यस 20 करोड़ को कर दिया गया है 100 करोड़। तो आपको यहां पर, मैं इसे यहां पर ही ठीक कर देता हूं दोस्तों, एक सेकेंड, ओके, हाँ यहां पर आ गया है दोस्तों कितना, 10 करोड़, और यहां पर आ गया दोस्तों कितना, 100 करोड़। समझ में आया दोस्तों। तो पहला अमेंडमेंट, इसके अंतर्गत 2 अमेंडमेंट है दोस्तों स्मॉल कंपनी के केस में। पहला अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया कि पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो डज नॉट एक्सीड 50 लाख, और सच हायर अमाउंट विच में बी प्रिस्क्राइब, विच डज नॉट एक्सीड कितना दोस्तों, 10 करोड़ से ऊपर नहीं होगा। सर इसका मतलब क्या था, हमें उस समय समझ नहीं आया था दोस्तों। अब ऐसा होता है कि कई बार हम पहले से ही परमिशन ले लेते हैं, कुछ कुछ कामों के लिए हम पहले से ही परमिशन ले लेते हैं ताकि हमें बाद में ना लेना पड़े।
एग्जाम्पल, जैसे आप डेमो क्लासेस में आते हैं, फर्स्ट डे ऑफ दी क्लास रहती है 10-15 दिन ना, हम आपको बोलते हैं बेटा हम आपको सिर्फ 3 घंटे पढ़ाएंगे, लेकिन आगे जाकर के यही बैच 7 आवर्स का हो जाएगा, तो हम पहले से ही आपको बता देते हैं कि 3 घंटे अभी पढ़ाएंगे लेकिन आगे जाके कितना हो सकता है 7 घंटे, हाँ 7 से ऊपर नहीं होगा, ये चीज हम आपको पहले ही बता देते हैं। सेम यहां पर है कि हम आपको अभी बोल रहे हैं कि भाई जो भी पेडअप शेयर कैपिटल जिस भी कंपनी का 50 लाख को एक्सीड नहीं करेगा, लेकिन हाँ इस 50 लाख को आगे जाकर के हम कभी भी 10 करोड़ जितना बोल सकते हैं। सेम इज द केस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर भैया अगर आपकी कंपनी का अभी जो टर्नओवर है वो टर्नओवर है फॉर एग्जांपल कितना दोस्तों, दैट इज आपका है 2 करोड़, ठीक है बॉस, आगे जाकर के हम इसी 2 करोड़ के बदले हम 100 करोड़ तक के कोई भी फिगर दे सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने पहले से आपसे क्या ले लिया, एक प्रकार से बता दिया कितना कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल परमिशन नहीं लेंगे। अच्छा टर्नओवर की बात की जाए तो टर्नओवर सर कब का देखा जाएगा, तो टर्नओवर जो है दोस्तों वो देखा जाएगा कब का, एज पर द P&L for the immediately preceding financial year. क्या बोल दिया दोस्तों, P&L कब का देखा जाएगा, of the immediately, ओहो sorry just a minute, ये क्या हो गया, तो यहां पर क्या लिख दिया गया, as per the profit and loss for the immediately preceding financial year, समझ में आ गया दोस्तों। तो अगर यहां पर देखा जाए तो अगर आप आएंगे अपने इस मॉड्यूल के अंतर्गत, तो मॉड्यूल के अंतर्गत आपको पहला यहां पर दिख गया है कि भाई इसको कर दिया 10 करोड़, इसको कर दिया कितना 100 करोड़, और यहां पर था एज पर इट्स लास्ट P&L, क्या लिखा था एज पर इट्स लास्ट P&L, अब इन्होंने उसे चेंज करके क्या कर दिया, एज पर द P&L फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पर देखिए वर्डिंग्स में भी चेंज आ गया है, यहां पर लास्ट P&L अकाउंट दिया हुआ था और यहां पर क्या दे दिया गया है, यहां पर दे दिया गया है भाई पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आ गया दोस्तों पक्का, तो हमने 2 अमेंडमेंट्स इसमें कवर कर लिए। तीसरा अमेंडमेंट जो है वो कौन सा है दोस्तों, वो है सब्सिडरी कंपनी के ऊपर। याद होगा आपको होल्डिंग कंपनी को मैं बोलता हूं पापा कंपनी, पापा जब जब अपन को देखते हैं बेटा बात करते हैं 4-6 लगाऊंगा, अरे हरकतें ही अपनी ऐसी है बेटा, और सब्सिडरी मतलब बेटा कंपनी, वो जो बेटा है बेटा वो अपने पापा से दुगना और एक कदम आगे रहना चाहता है, 2 clause 87। और दोस्तों याद होगा इसी के साथ ही एसोसिएट कंपनी भी था, अपन अपने दोस्त को बुलाते हैं ना बेटा, यही बुलाते हैं यस। तो अगर अपन बात करें दोस्तों तो यहां पे आ गया होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी, मैंने सेक्शन आपको रिवाइज करा दिया। अब बात करते हैं कि सर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में क्या इसमें आया है डेफिनेशन में अंतर, तो दोस्तों अगर अपन बात करें तो यहां पर एक छोटा सा अंतर ही आया है, और वो अंतर ये है जो कि कवर्ड है, वैसे मैक्सिमम जगहों पर यही पढ़ाया गया होगा बट फिर भी मैं बता देता हूं कि भाई यहां पर यह चीज बोल दी गई है कि पहले आपको आता था कि भाई पेड अप शेयर कैपिटल या टोटल शेयर कैपिटल ऐसा वर्ड आता था, जहां पर बोला जाता था कि भाई सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी इन विच अदर कंपनी एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, लेकिन अब दोस्तों वो टोटल शेयर कैपिटल के बदले अब ये वर्ड आ गया क्या दोस्तों, टोटल वोटिंग पावर, क्या वर्ड आ गया टोटल वोटिंग पावर। अगेन अपन आते हैं कहां पर दोस्तों, अगेन अपन आते हैं हमारे इसमें डेट इज आपका जो मॉड्यूल है, और मॉड्यूल के अंतर्गत आप जाएंगे तो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा सब्सिडरी कंपनी के बारे में क्या लिखा हुआ है, यहां पे एक्सरसाइज 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, तो ये टोटल शेयर कैपिटल कट जाएगा, अब क्या आ जाएगा टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। और यही सेम चीज जो है, यही सेम चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी इन केस ऑफ एसोसिएट कंपनी, तो एसोसिएट कंपनी में भी चेंजेस कर दे, हालांकि इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में आरटीपी में नहीं बताया, लेकिन आपको यह भी जानना होगा कि यहां पर भी सेम चीज आएगी, तो कंट्रोल यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर उन्होंने क्योंकि चेंज कर दिया था इसीलिए शायद नहीं दिया, तो यहां पर भी कितना है दोस्तों 20%, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहता ना, तो 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल था यहां पर, अब उसको चेंज करके क्या करना पड़ेगा टोटल वोटिंग पावर। सर शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर इसमें क्या चेंज आ जाता है दोस्तों, वोटिंग पावर में क्या आ जाता है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल्स है बस वही आता है, और इक्विटी शेयर कैपिटल के अंतर्गत आपको मैं एक बेस देना चाहता हूं जो शायद आपको ना पता हो, मे बी मैं आपको एक बेसिक पॉइंट बताना चाहता हूं क्या होता है दोस्तों, ये जो शेयर कैपिटल के सॉरी जो ये इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल 2 प्रकार की होती है, एक को अपन बोलते हैं नॉर्मल इक्विटी शेयर और एक को अपन बोलते हैं दोस्तों DVR, तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों इक्विटी शेयर कैपिटल के अंतर्गत भी 2 प्रकार के होते हैं, एक को अपन बोलते हैं नॉर्मल इक्विटी शेयर कैपिटल और एक को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों DVR। सर व्हाट इज DVR? DVR स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। नॉर्मल इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या होता है, 1 share is equal to 1 vote माना जाता है, क्या माना जाता है 1 share is equal to 1 vote, लेकिन जब मैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स की बात करता हूं तो यहां पर दोस्तों 1 share may not be equal to 1 vote,
हो सकता है कि यहां पर ऐसा हो जाए कि भाई अगर आप 10 शेयर खरीदोगे तो आपको एक वोट करने मिलेगा, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि यहां पे 1 share is equal to 5 vote भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर्स होते हैं उनको कई बार ऐसा होता है कि नहीं हमें ज्यादा क्या चाहिए, वोटिंग पावर चाहिए, तो ज्यादा वोटिंग पावर उन्हें पसंद है तो अपन उन्हें ज्यादा वोटिंग पावर दे देते हैं। कई बार वो बोलते हैं नहीं नहीं हमें ज्यादा वोटिंग पावर नहीं चाहिए, हमें ज्यादा डिविडेंड चाहिए, हमारे वोटिंग पावर्स कम कर दो। तो भाई ऐसा हो जाता है कि तुम 10 share खरीदोगे तो आपको एक वोट डालने का अधिकार मिलेगा। और ऐसे में अगर देखा जाए ये हर कंपनी पर लागू नहीं होता, सिर्फ ये उन्हीं कंपनीज पर लागू होता है जिन्होंने DVR को इशू किया होता है। हाल फिलहाल देखा जाए तो पहले जो थी 3 ही कंपनीज इसमें थी, फ्यूचर, एक कंपनी थी जैन इरिगेशन और एक थी टाटा। इन्हीं तीनों कंपनीज ने बस DVR इशू किया था। ये बहुत ज्यादा चलन में नहीं है, बट ठीक है फिर भी हमारे यहां पर दिया हुआ है तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि भाई वोटिंग पावर मतलब वो यहां की महिमा हो जाती है, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए वोटिंग पावर्स के अंतर्गत अंतर आ सकता है। हो सकता है भाई आपके पास, आप मिस्टर एक्स हैं, आपके पास 100 share हैं तो आप 100 vote डाल सकते हो, बिकॉज 1 share is equal to 1 vote। मैंने DVR लिया है, मैंने भी 100 लिया है, बट मेरे 100 share पर 100 नहीं मिलेंगे, मेरे तो 10 share पर 1 vote है, तो 100 share पर 10 vote होंगे, तो ऑब्वियसली बात है मेरा वोटिंग पावर कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो इसीलिए जो टोटल वोटिंग पावर वाली बात डाली गई है ये काफी इंपॉर्टेंट साबित होती है हमारे लिए। कोई भी डाउट तो नहीं दोस्तों, पक्का अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों आगे अगर अपन बात करें दोस्तों, तो आगे आएंगे हम वापस से अपने RTP की तरफ। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई है कि भाई इन्होंने ये चीजों में क्या ला दिया, चेंज ला दिया। ओके, एसोसिएट कंपनी के लिए कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन वो क्यों नहीं बोला, क्योंकि ICI ने अपने मॉड्यूल में पहले से ही ऐसा दिया हुआ था जो कि करेक्ट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो है दोस्तों किसकी, गवर्नमेंट कंपनी की। याद करेंगे गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज ईदर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। याद आ रहा है, तो ये जो पेड अप शेयर कैपिटल था ना उसको अलग कर दिया गया है, और अब पेड अप शेयर कैपिटल के बदले वहां पर क्या डाल दिया गया दोस्तों, वोटिंग पावर। वहां पर भी क्या डाल दिया गया, वोटिंग पावर। तो अगेन मैंने आपको समझा दिया वोटिंग पावर की खास बात। वोटिंग पावर आने से क्या हुआ, एक हो जाता है इक्विटी शेयर होल्डर, एक हो जाता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों होते तो इक्विटी शेयर होल्डर ही है, लेकिन वहां पर शेयर कैपिटल में तो वो दिखेगा कि बॉस हाँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए मेरे पास है 100, क्या है मेरे पास 100 है नॉर्मल शेयर्स और 100 है मेरे पास DVR। ऐसे देखा जाए तो मेरे पास कितने शेयर्स हैं, 200। लेकिन अगर वोटिंग पावर में देखा जाए तो भाई मान लो, अगर मान लो ध्यान से समझना, 300 shares की कंपनी है बस, कितनी की है 300 share की कंपनी है, समझ में आया, एकदम छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं। ए भाई अगर मान लीजिए मुझे सब्सिडरी कंपनी बनना है, या मान लो मुझे गवर्नमेंट कंपनी बनाना है, तो एक कंपनी है बेटा सेल जिसके अंतर्गत क्या है, जिसके अंतर्गत फॉर एग्जाम्पल 300 shares है, ठीक है। अब उसमें से 100 नॉर्मल मैंने ले लिया, 100 DVR मैंने ले लिया। अगर आप ऐसे देखोगे टोटल वो शेयर कैपिटल लिखा हो तो मेरे पास तो 200 shares हैं, तो 300 में से 200 मेरे पास है, तो ऑब्वियसली बात है 51% से तो ज्यादा ही हो गया, 51% से ज्यादा हो गया तो मैं बोल सकता हूं बॉस ये कौन सी कंपनी, अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं या मैं स्टेट गवर्नमेंट हूं तो मैं बोल दूंगा वो मेरी गवर्नमेंट कंपनी हो गई। लेकिन अगर इसे आप वोटिंग पावर में देखा जाए तो इसमें आपको 100 share का वोटिंग पावर मिल रहा है, लेकिन DVR के अंतर्गत क्योंकि अपने ऊपर वाले एग्जाम्पल लिया 10 share per 1 vote, तो ऑब्वियसली बात है मुझे 100 share पर 10 ही vote मिल रहा है, मतलब कितना हो रहा है 110 हो रहा है। अब 110 होने की वजह से 300 में 110 ही का ही है ना मेरा वोटिंग पावर, तो क्या 51% से ज्यादा हुआ क्या, 51 अरे 50% भी हुआ क्या, नहीं हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो गवर्नमेंट कंपनी फिर नहीं कहलाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई गाइस, पक्का अच्छे तरीके से गाइस। चलिए तो नेक्स्ट कंसेप्ट पर जाते हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया दोस्तों। तो गवर्नमेंट कंपनी के अंतर्गत भी आपको क्या करना होगा, जहां पे पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है वहां पर आपको करना होगा टोटल वोटिंग पावर। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दोस्तों, दैट इज अबाउट द निधि कंपनी। यस, निधि कंपनी की तो पूरी डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। याद करेंगे दोस्तों निधि कंपनी को अपन ने समझा था कि वो एक ऐसी कंपनी होती है जो पैसा देती है अपने ही मेंबर्स को, और पैसा लेती भी किससे, अपने ही मेंबर्स से। तो इसके बारे में हमने देखा था निधि कंपनी के बारे में, जो कि हमने देखा था पेज नंबर 5.16 के अंदर। आइए देखते हैं,
ये रहा निधि कंपनी के बारे में. इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टीवेटिंग हैबिट्स थ्रिफ्ट सेविंग अमंग्स मेंबर्स, ये सारी बातें पड़ी थी, इसको काट देंगे. यस दोस्तों, पूरी की पूरी डेफिनेशन जो है दोस्तों वो चेंज हो गई है और नाउ यू हैव टू रिप्लेस दिस डेफिनेशन विद दिस थिंग. निधि कंपनी को एक और नाम से बुलाया जाने लग गया जिसका नाम है म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी. क्या बोलने लग गया उसको? म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी. और ये जो कंपनी होती है दोस्तों ऐसी कंपनी है, बस बहुत प्यारी डेफिनेशन है. कंपनी बोला गया निधि कंपनी या फिर म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एक ऐसी कंपनी होगी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे ऑफिशियल गैजेट में और डिक्लेयर कर दे टू बी अ निधि कंपनी और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज अ केस में भी. तो बस ये बोल दिया गया निधि कंपनी और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मींस एक ऐसी कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर टू बी अ निधि कंपनी और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज द केस में भी, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे. बस खेल खत्म. इसके अलावा जो है कुछ और निधि कंपनी के अंतर्गत नहीं बोला गया. तो इसके लिए सेक्शन में भी चेंज लाया गया, 406 सबसेक्शन 1 हो गया है दोस्तों, ठीक है. और ये कुछ खास बातें कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हमारे 6 अमेंडमेंट्स है. यहाँ के हिसाब से वापस रिवाइज करा देता हूँ. ओपीसी जो है दोस्तों उसके अंतर्गत जो 182 डेज फाइनेंशियल ईयर था, सॉरी कैलेंडर ईयर था, वो फाइनेंशियल ईयर हो गया. दूसरी चीज दोस्तों, स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन में जहाँ 5 करोड़ और 20 करोड़ था, वहाँ 10 करोड़ और 100 करोड़ हो गया है. और साथ ही साथ एज पर दी क्या हो गया दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी सॉरी ट्रेडिंग जो भी हमारा पीएनएल होता है बेटा फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर वाला हो गया. नेक्स्ट अपन ने जो बड़ा देखा उसके अंदर सब्सिडियरी कंपनी में देखा टोटल शेयर कैपिटल को टोटल वोटिंग पावर बोल दिया गया. गवर्नमेंट कंपनी के केस में भी टोटल शेयर कैपिटल जो था, सॉरी पेड अप शेयर कैपिटल था, उसको टोटल वोटिंग पावर्स में कन्वर्ट कर दिया गया. नेक्स्ट उसके बाद निधि कंपनी की पूरी डेफिनेशन चेंज हो गई. तो ये था दोस्तों आरटीपी में दिया हुआ पूरा का पूरा अमेंडमेंट जो कि मैंने कवर कर दिया. उसके बाद यहां पर अगर आप आएंगे दोस्तों तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे कुछ खास क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन आगे जाकर के मैं आपसे डिस्कस कराऊंगा, लेकिन आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप मेरा क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी. नथिंग न्यू, मतलब इससे मुझे कॉन्फिडेंस ये मिलता है कि अगर आप मेरा सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी अच्छे से करके जाते हैं और मेरे रिवीजन और मैराथन लेक्चर्स को अगर बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं तो गाइस वो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है. सो गाइस थैंक यू सो मच. एंड यस, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. अगर उन्हें कुछ पुराने कंसेप्ट पता होगा तो ऐसा ना हो कि उनसे ये मिस्टेक्स हो जाए जिसकी वजह से उनका काफी बड़ा मात्रा में मार्क्स का नुकसान हो जाए. तो अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली नहीं, अपने फ्रेंड्स को और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है. चलो, सो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय, सी या, बाय बाय.